हाय गाइस, क्या आप भी यही सोच रहे हो कि आपके चैनल जो है ग्रो क्यों नहीं हो रही। वेल, आपको बता दो, ये जो क्वेश्चन है सभी नए क्रिएटर्स का होता है जब वो अपने चैनल को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ रीजन एंड उनके सॉल्यूशन जिनकी वजह से आपके चैनल जो है वो ग्रो नहीं कर पा रही है। तो गाइस, बढ़ते हैं इस अमेजिंग इंटरेस्टिंग से वीडियो की तरफ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओवर एक्सपेक्टेशन गाइस, आपको क्या लगता है कि जैसे आप किसी भी नए क्रिएटर को या बड़े यूट्यूबर को देखते हो कि उसने किसी टॉपिक पे वीडियो अपलोड किया तो उसको अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, तो आप क्या करते हो, उसी टॉपिक को कॉपी करके उस पर आप वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हो, तो आपको लगता है कि मेरे को भी व्यूज आएंगे। बट ऐसा नहीं होता है गाइज, क्योंकि आपको बता दूँ यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर जो है डिपेंड करते हैं। रीजन नंबर टू, कॉपिंग बिग क्रिएटर। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई छोटा क्रिएटर अपने चैनल को स्टार्ट करता है तो वो बड़े क्रिएटर्स को कॉपी करना स्टार्ट कर देता है। जैसे किसी ने किसी पे रोस्ट किया तो बड़े यूट्यूबर ने किसी टॉपिक पे रोस्ट किया तो गाइस छोटे क्रिएटर्स हैं उनको भी रोस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी चैनल पे व्यूज है तो हमें भी व्यूज मिलेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। तो गाइस यहाँ पे आपको नए क्रिएटर्स को कॉपी नहीं करना। एंड गाइस, मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल्स देखे हैं कि जो बड़े क्रिएटर्स होते हैं जैसे उनका बोलने का स्टाइल, उनका कंटेंट, वो सेम टू सेम उसी को कॉपी कर लेते हैं एंड अपने वीडियोस में बोल देते हैं। इससे कोई फायदा नहीं होता है बिकॉज उनके पास उनकी ऑडियंस है, वो उन्हें देखना पसंद करेगी कि आपको। रीजन नंबर थ्री, आर यू कंफर्टेबल विद कैमरा। गाइस, क्या आपको कैमरा के सामने बोलना आता है? गाइस, आपको बहुत सारे बंदे जो है मैंने ऐसे देखे हैं जिनका आई कॉन्टैक्ट कैमरा के साथ नहीं होता है, वो कहीं और देख लेते हैं कुछ इस तरीके से या तो ऐसे देख लेते हैं। गाइस, आपको जो अपना आई कॉन्टैक्ट बराबर कैमरे के साथ बनाना है एंड आपको एक स्टाइल बनाना है जिससे कि आपको ऑडियंस जो है आपको देखना पसंद करे कुछ। गाइस, यहाँ पे आपको बता दूँ ये कैसे, इसका सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइस, आपको क्या करनी है, किसी भी टॉपिक को ले लेना है एंड उस पर आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, उसको बोलते ही जाना है, बोलते ही जाना है। या तो आप शीशे के सामने जाओगे एंड उसे रिपीट एंड रिपीट उस टॉपिक को करोगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा हो जाएगी। इज यूर ऑडियो क्वालिटी फाइन, क्या आपकी ऑडियो क्वालिटी है जिससे आप बोल रहे हो तो गाइस क्या वो सही से है? तो गाइस यहाँ पे क्या बोलूँ आपको, मतलब आपने किसी का कंटेंट देखा, जैसे कि ये वाला मेरा वीडियो देखा, ये वाली जो आप मेरी वॉइस सुन रहे हो ना, ये इस माइक से आ रहे हैं एंड ये अभी जो आप सुनने वाले हैं ये सीधा डिफॉल्ट होने वाला है एंड ये वाली जो आप आवाज़ है मेरी आप डिफॉल्ट सुन रहे हैं जो कि मैं इस माइक्रोफोन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपने YouTube का एनालिटिक्स चेक करना है, उसमें आपको अपनी ऑडियंस का रिटेंशन देखना है। यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर आपकी ऑडियंस आपके वीडियोस पे क्लिक करती है बट वो 15 से 20 सेकंड्स तक आपके वीडियोस पे रहती है, बट उसके बाद क्या करती है, उसके वीडियो को स्किप कर देती है। तो गाइस यहाँ पे आपका जो है आपका वीडियो आगे नहीं बढ़ने वाला, आपका वीडियो जो है ग्रो नहीं करेगा। तो गाइस यहाँ पे आपका हो सकता है आपकी जो एडिटिंग है वो सही से ना हो, तो आपको अपनी एडिटिंग को सही करना होगा। इसके लिए भी मैं अभी ट्यूटोरियल्स लाने वाला हूँ जो कि मैं कुछ दिनों के बाद ही अपलोड करने वाला हूँ, तो आपको मैं फुल मोबाइल से कैसे एडिटिंग करते हैं इसके पे भी वीडियोस मैं दिखा दूंगा। डू यू हैव अ बिग कॉन्टेंट लाइब्रेरी? इससे क्या होता है गाइज कि आपको अपनी जो है कॉन्टेंट की लाइब्रेरी जो है ये भी किसी भी कैटेगरी की हो सकती है, चाहे आपका कुकिंग का हो, व्लॉगिंग का हो, जो कुछ भी आपका कैटेगरी है, तो उसमें आपको अपनी कंटेंट जो है अपनी लाइब्रेरी जो है बनानी पड़ेगी उसके अंदर। सो आई होप गाइस कि आज की जो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही आपके लिए हेल्पफुल कॉन्टेंट लाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।